अगली खबर में बात करते हैं जबलपुर की, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्र और वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को भारत सरकार ने अगले 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। वह AERB के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। वह जी नागेश्वर राव की जगह लेंगे। उनकी नियुक्ति के साथ ही जबलपुर व प्रदेश का कद एक बार फिर बढ़ गया है। जबलपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक करने के पश्चात 1981 में परमाणु ऊर्जा विभाग में शामिल हुए। वह उच्च प्रवाह अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव के कमिश्निंग से जुड़े रहे हैं। बाद में ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर के रिएक्टर अधीक्षक और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में रिएक्टर संचालक प्रभाग के प्रमुख के पद पर पदस्थ रह चुके हैं। ROD BARC के प्रमुख के रूप में वह ट्रांबे में अनुसंधान रिएक्टरों के सुरक्षित और कुशल संचालन की जवाबदारी बखूबी निभा चुके हैं। उन्होंने दबाव वाले भारी पानी रिएक्टरों, हल्के पानी रिएक्टरों, विशेष सुविधाओं, पुनर्संसाधन संयंत्रों और रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के डिजाइन और परिचालन सुरक्षा समीक्षा के लिए AERB और BARC सुरक्षा परिषद की कई समितियों से जुड़े रहे। श्री शुक्ला विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के लिए प्रबंधन समिति के सदस्य थे और परमाणु विज्ञान में अनुसंधान बोर्ड के रेडियो आइसोटोप विकिरण प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग समिति के भी शुक्ला ने अनुसंधान रिएक्टरों की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सलाहकार के रूप में भी काम किया है।